सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अमार रिजवी ने लखनऊ लोकसभा के मतदाताओं से लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह की मदद करने की अपील की। डॉक्टर अमार रिजवी ने माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आमंत्रित कर उनको सहयोग देने का आश्वासन दिया। अमार रिजवी ने कहा कि हमें अपने फोरम के द्वारा प्रस्ताव पारित कर आपको समर्थन देने का मन बना लिया है। हमारा यह फोरम पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा है। अमार रिजवी ने अपने फोरम के माध्यम से पारित प्रस्ताव की कॉपी वहां मौजूद महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा को दी। प्रोफेसर एसपी शाक्य महामंत्री ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी के हस्ताक्षर से जारी बैठक प्रस्ताव में बताया गया कि 24 मार्च 2019 को फोरम के अलीगंज स्थित कार्यालय पर बैठकर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि यह फोरम अल्पसंख्यकों के हितों को साकार करने के लिए लगभग 3 दशकों से अनवरत सार्थक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। फोरम प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से समय समय पर विभिन्न सरकारों को अल्पसंख्यकों की समस्याओं और उनके निराकरण हेतु प्रत्यावेदन देने के साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के नवयुवकों की शिक्षा और रोजगार के बारे में भी अवगत कराता रहा है। इस बार फोरम ने यह निश्चित किया है कि देश में जिन महानुभावों ने अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं उन्हें समाज में बराबर का हक दिलाने के लिए अपना योगदान कर बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है उनमें श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार पहली पंक्ति में है। इसलिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी यह प्रस्ताव करती है कि इस लोकसभा चुनाव में लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजनाथ सिंह की हर प्रकार से मदद की जाएगी। यह अल्पसंख्यकों के लिए हितकर होगा। इसलिए फोरम लखनऊ के मतदाताओं से अपील करता है कि इस लोकसभा चुनाव में लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजनाथ सिंह की हर संभव मदद करें। इस मौके पर शहर के गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। जब राजनाथ जी गृह मंत्री हुए थे और मैं इनसे साउथ ब्लॉक में मिलने गया था तो उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि और ये हमारा जो माइनॉरिटी फोरम है वो आपका स्वागत करना चाहता है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी। और आपने कहा था कि मुझे जरा सा फुर्सत मिल जाए और तब मैं ज़रूर आऊँगा। लखनऊ तो मेरा घर है लेकिन हमें मालूम है कि होम मिनिस्टर जो होता है वो विदाउट एनी होम होता है। सबके घर होते हैं लेकिन होम मिनिस्टर का कोई घर नहीं, तो ये नहीं आ सके। फिर बराबर बात रही और आज शाम कल शाम को आने वाले थे, फिर कल के बजाय आज हुआ था तो हमने लॉन में शामियाने वगैरह का इंतजाम किया था और काफ़ी लोगों को बुलाया था। कल जब पता चला कि आप तो सवेरे 10:30 के बीच में आ रहे हैं तो फिर लोगों से हमें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ी कि आप मेहरबानी करके ना आइएगा क्योंकि इतने लोग वहाँ नहीं आ सकते थे। और आप देख रहे हैं कि ये जिस समय जिस वक्त आपने घर छोड़ा था कालिदास का उसी वक्त मैंने भी गौतम पंडित छोड़ा था, तो वो है नहीं उर्दू के शेर के है खबर घर उनके आने की आज ही घर में बोलियाँ ना होगा। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं कि कुछ है नहीं, सिर्फ आप हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले 30 साल से जिसमें सारी माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि अभी तक माइनॉरिटी का जब नाम आता है तो लोग समझते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान है, जबकि भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की हुई जो है वो 5 माइनॉरिटीज मौजूद हैं। अब तो जेंट्स को भी कर लिया है लेकिन इस वक्त जो 5 माइनॉरिटीज है उसके सब लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मिस्टर चार है, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है वो मिस्टर प्रोफेसर एसपी शाक्य है और इसी तरह से सारे लोग यहाँ पे मसीह साहब बैठे हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल क्रिश्चियन कॉलेज छत्तीस साहब से मिल चुके हैं, डॉक्टर डेविड बैठे हुए हैं, तो सब लोग जो है वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के इसके अंदर है। अभी तक के बराबर 30 साल तक के हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते रहे, कोई समस्या हुई माइनॉरिटीज की गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट रही उसको बताते रहे और अपना काम करते रहे और ये तय किया गया था कि इट विल रिमेन ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक के जो है, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि जब तक के डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होती, जब तक के राजनीतिक जो आपके पास सिस्टम के अंदर आपके पास ताकत नहीं है तब तक के आपके काम नहीं हो सकते।
तो ये तय किया गया कि जो जो व्यक्ति माइनॉरिटीज के लिए जिसने सबसे ज्यादा काम किया हो, जिसने सबसे ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान किया हो माइनॉरिटीज की, और जिसने इंटरफेथ पर काम किया हो, उसको फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ 30 ईयर्स उसको ये फोरम जो है सपोर्ट करेगा। और आप देखते हैं कि चुनाव लोग जो जीतने की कोशिश करते हैं, चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल जीतने की कोई कोशिश नहीं करता। वाह, दिल जीतने की कोशिश नहीं करता। दिल जीतने की अगर कोशिश की है, सिर्फ कोशिश नहीं की है मगर कामयाबी हुई है, तो राजनाथ सिंह जी। अगर विजय पाठक जी कहते तो ये तो आप बीजेपी में काफी पुराने हो चुके हैं, तो इनसे लफ्ज आप ज्यादा ना मानते। मैं कांग्रेस का अभी मेंबर हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर दिल जीतने की किसी ने कोशिश की है भारतवर्ष की माइनॉरिटीज का, तो वो राजनाथ सिंह। और इस वजह से हमने ये निश्चय किया है कि हमारा माइनॉरिटी फोरम जो है वो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा चुनाव में। और हम चाहेंगे कि लखनऊ से आप इतनी भारी बहुमत से कामयाब हो कि जो खुद एक रिकॉर्ड हो। इंडिया का हर छठा आदमी भारतवर्ष का रहने वाला है, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का हर छठा आदमी जो है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश का दिल है। और आप जो हैं वो राजनाथ नहीं हैं बल्कि हम लोग के हृदय नाथ आप यहाँ के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद हम लोग ऐसा महसूस करते थे कि ये वैक्यूम जो है वो कभी पूरा नहीं होगा, ये वैक्यूम वैक्यूम ही रहेगा। लेकिन आपके आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वैक्यूम जो है दुनिया में कोई जब वैक्यूम नहीं रहता, हर वैक्यूम की आप तो साइंटिस्ट हैं, थोड़े दिनों के बाद वो वैक्यूम भर जाया करता है। आपके आने से लखनऊ वालों को ये ताकत मिली है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात से पूरी तरह से सहमत हो। हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय किसी न किसी तरह से 1974 से इनसे रहा है। अब लखनऊ वालों का भी ये सौभाग्य है कि आप होम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी से, तो राजनाथ सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत है, और हमें उम्मीद है कि हम जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जगह की कमी के वजह से हम सबको नहीं बुला सकते, वरना कम से कम 400-500 लोग होते, खाली लखनऊ के ना होते बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए होते जो आपका स्वागत करते। हमें उम्मीद है, अभी तो हम कोई स्वागत आपका नहीं करेंगे, अब हम स्वागत जो है लोगों का, मतदाताओं का करेंगे। हम उनके पास जाएंगे, हम उनको बताएंगे, और जब वक्त आएगा तब हम जो स्वागत करेंगे उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहले से कोई बात कहना जो है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आप जिस काबिल हैं, जो कुछ आप डिजर्व करते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ नहीं कर सके, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आखिर मैं इससे पहले कि प्रोफेसर शांति से कहूँ कि वो प्रस्ताव पढ़े, मैं एक ही शेर पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि वो शेर बहुत जगह पढ़ा जाता है, लोगों ने सुना होगा। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बराबर बोले जाते हैं, और जब से इंसान पैदा हुआ है तब से बोले जा रहे हैं, लेकिन उनका असर आज तक कम नहीं हुआ। जैसे आई लव यू, आज लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, ट्रिलियंस बार ये लफ्ज कहा जा रहा है। मैडम गलत तो नहीं कर रहा हूँ, डेविड साहब से पूछूं, डेविड साहब बैठे हुए इनके हाथ में, तो ये सामने बैठे हुए हैं, तो ये लफ्ज वैसे ही ये शेर है कि जिससे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। राजनाथ सिंह ऐसे लोग हैं कि आदमी जिंदगी से प्यार करने लगे। इन शब्दों के साथ मैं, जो लोग आए हैं यहाँ पर जिनका मैं इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से फर्दन सबका स्वागत करता हूं, और माफी चाहता हूं कि आप लोगों को जो कष्ट हुआ हो इस छोटे से कमरे में बैठने के लिए, उससे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। ये जब आपने नजफ की फ्लाइट थी और उसको जो वाक्य कहा था, जो सेंटेंस कहा था, वो एक
सच्चे आदमी की सच्ची दिल से लिखी हुई सच्ची आवाज़ थी। ये आपने कहा था कि मैं इलेक्शन चुनाव ना नहीं जानता, जो चीज़ है अगर मैं जेन्युइनली जो है समझता हूँ कि किया जाना चाहिए तो उसे करूँगा। से माइनॉरिटीज़ की और लोगों की इंटरफेथ की खिदमत की है। फोरम की ये दरख्वास्त है कि कोई पोलिटिकल पार्टी राजनाथ सिंह जी के मुकाबले में अपना कैंडिडेट ना करे। ये हमारा